हेलो किड्स, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। डियर किड्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 15 पैटर्न्स इसे समझेंगे। पैटर्न्स में आप क्या देखेंगे? अ पैटर्न इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस को रिपीट करना, किसी भी चीज को रिपीट करना, वो हो जाता है पैटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर बैलून, बुक और बॉल दिया हुआ है। फिर सेकेंड बॉक्स में फिर इसे बैलून, बुक और बॉल फिर इसे रिपीट कर दिया, फिर बैलून, बुक और बॉल इसे फिर रिपीट कर दिया, तो ये हो गया, एक पैटर्न हो गया। यहाँ पर भी हम देखते हैं, जैसे टू, फिर थ्री को स्किप करके फोर, फाइव को स्किप करके सिक्स, सेवन को स्किप करके एट, नाइन को स्किप करके टेन, इलेवन को स्किप करके ट्वेल्व, थर्टीन को फोर्टीन, थर्टीन को स्किप किया फोर्टीन लिया, फिफ्टीन को स्किप करके सिक्सटीन, सेवनटीन को स्किप करके एटीन, तो ये हो गया हमारा पैटर्न। इस तरह से पैटर्न एक एक नंबर को स्किप करते गए, है ना। यहाँ पर सेम बैलून, बुक, बॉल इसे रिपीट करते गए। मतलब पैटर्न क्या होते हैं? अब पैटर्न इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस को रिपीट करते जाना, वो पैटर्न। तो प्रैक्टिस टाइम 15.1 हम आज स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट द पैटर्न, देखिए यहाँ पर ए में हमें ये पैटर्न्स दिए हुए हैं ना। तो यहाँ पर स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर रेक्टेंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर सर्कल है। अब आप बताइए क्या आएगा? स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, है ना, शेप दे रखेंगे। फिर यहाँ पर स्क्वायर, सर्कल और क्या आएगा? रेक्टेंगल। क्या आएगा? रेक्टेंगल। फिर क्या आएगा? फिर रिपीट करो, किसे रिपीट करोगे? स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल, ठीक है। स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल। फिर क्या, अब बी वाला देखते हैं। यहाँ पर हमें साइन दिए हुए हैं, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, मल्टीप्लाई और अब क्या आएगा? देखिए क्या दिया हुआ है, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, मल्टीप्लाई, क्या आएगा? डिवाइड। फिर क्या आएगा? डिवाइड के बाद फिर प्लस, मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। इस तरह से ये सीक्वेंस में आते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सी वाला देखते हैं। यहाँ पर रेड, रेड लाइन में हमें स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और फिर ब्लू लाइन में स्क्वायर दिया हुआ है, ग्रीन लाइन में हमें सर्कल दिया हुआ है ना। तो स्क्वायर, इस जो फर्स्ट वाला स्क्वायर है इसमें ये देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई का साइन बना हुआ है, इस स्क्वायर में प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन स्क्वायर में, प्लस का साइन स्क्वायर में, फिर सर्कल में प्लस का साइन सर्कल में। अब फिर ये वाला जो पैटर्न था वो इधर आया, ये वाला उठकर इधर आया, अब ये वाला कर जाएगा आगे जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई वाला स्क्वायर आया, फिर प्लस वाला स्क्वायर आया, अब प्लस वाला सर्कल आएगा। क्या आएगा? सर्कल बनाएंगे जिसमें हम प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? प्लस के सर्कल के बाद फिर से यही आ जाएगा, ये आएगा ना, मल्टीप्लाई वाला स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह से हम साइन लगाएंगे, और फिर प्लस वाला स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा? प्लस वाला स्क्वायर आएगा, फिर सर्कल, प्लस वाला सर्कल। तो इस तरह से ये सीक्वेंस में चलते जाएंगे, है ना। मल्टीप्लाई, प्लस, सर्कल में प्लस, मल्टीप्लाई, स्क्वायर में प्लस, फिर सर्कल में प्लस, मल्टीप्लाई, स्क्वायर में प्लस, सर्कल, स्क्वायर में प्लस और सर्कल में प्लस। अब फिर देखिए यहाँ पर कुछ नंबर्स वाले पैटर्न्स दिए हुए हैं। यहाँ पर ये वाले जो पैटर्न दिए हुए थे ना, कुछ पिक्चर ड्रॉ करके इस तरह से दिए हुए थे। अब ये वाले जो पैटर्न्स दिए हुए ना, हमें ये नंबर्स में दिए हुए, है ना। देखिए हमें यहाँ एग्जाम्पल में भी कुछ पिक्चर्स वाले पैटर्न्स दिए हुए थे, फिर नंबर्स वाले पैटर्न्स दिए हुए थे। देन यहाँ पर भी हमें पिक्चर्स टाइप में कुछ साइन में इस तरह से हमें कुछ साइन देकर हमें पैटर्न दिया हुआ है ना। कुछ जैसे साइन दिए हुए हैं, पिक्चर्स ड्रॉ करके भी दे देते हैं, साइन वाले भी दे देते हैं, और फिर इस तरह से नंबर्स में भी दे देते हैं। तो यहाँ पर स्किप नंबर हम लोगों ने करे हैं, उसी तरह का है ये। कंप्लीट द पैटर्न, ए वाला देखते हैं, थ्री, फिर यहाँ पर फोर को स्किप करके फाइव को लिखा है, सिक्स को स्किप करके सेवन लिखा है, सेवन के बाद में एट को स्किप करके हम क्या लिखेंगे? नाइन लिखेंगे, ठीक है। फिर नाइन के आफ्टर में टेन को स्किप करके क्या लिखेंगे? इलेवन लिख देंगे, ओके। इलेवन के आफ्टर में ट्वेल्व को स्किप करके थर्टीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
13 लिखेंगे, 13 के आफ्टर में 14 को स्किप करके क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे. ओके, तो ये इस तरह से ये वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा. इसके आफ्टर में यहाँ देखते हैं, 4 के बाद 5 6 7, 5 6 7 को स्किप करा मीन्स 3 नंबर को स्किप करके फोर्थ नंबर वाला जो नंबर आ रहा है उसे लिख रहे हैं. तो 4 के आफ्टर में 5 6 7 इन 3 को स्किप करके जो फोर्थ नंबर पर 8 आया उसे लिखा है. तो और फिर उसके बाद क्या करा, 9 10 11 और इन तीनों को स्किप करके फोर्थ नंबर पर जो नंबर आया उसे लिखा है 12. फिर हम यहाँ पर इसी तरह से करेंगे, 12 के आफ्टर में 13 14 15 इन्हें स्किप करके यहाँ जो फोर्थ नंबर पर नंबर आएगा उसे लिखेंगे. कौन सा नंबर आएगा, 12 के आफ्टर में 13 14 15 और ये वाला नंबर हमें लिखना है, ये नंबर है 16. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16. ठीक है, अब फिर देखिए 16 के आफ्टर में 17 18 19 इन तीनों नंबर को स्किप करेंगे. 16 के आफ्टर में 17 18 19 और 20 वाला नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे 20, है ना. 16 के आफ्टर में 17 18 19 इन 3 को स्किप करके फोर्थ नंबर पर कौन सा है 20, तो उसे हम लिख देंगे. 20 के आफ्टर में 21 22 23 इन 3 नंबर्स को स्किप करके 24 को हम यहाँ पर लिख देंगे 24. देन 24 के बाद 25 26 27 इन्हें स्किप करके 28 नंबर वाला नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे. फोर्थ नंबर वाला नंबर क्या आया 28, उसे हम लिख देंगे. सी पर हम देखते हैं 12 15 18 दिया हुआ है, तो 12 के आफ्टर में 13 और 14 यहाँ पर 2 नंबर को स्किप करा और थर्ड नंबर पर क्या आया 15 उसे लिख दिया. फिर यहाँ पर 15 के आफ्टर में 16 17 इन्हें स्किप किया और थर्ड नंबर पर 18 आया उसे लिख दिया. 18 के आफ्टर में हम करेंगे 19 20 इन दोनों को स्किप करेंगे और, है ना, 18 के आफ्टर में 19 और 20 को स्किप करके कौन सा नंबर लिखेंगे 21, हम यहाँ लिख देंगे 21. फिर देखते हैं 22 23 को स्किप करके 24 थर्ड नंबर वाला नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे 24 के आफ्टर में 25 26 इन दोनों को स्किप करके 27 नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे. 27 के बाद 28 29 और 30 वाले को हम यहाँ पर लिख देंगे. ठीक है, तो ये देखिए पेज नंबर 66 पर हमारा जो चैप्टर था पैटर्न्स, हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया है. तो आप ही इसी तरह से इसे बुक में कंप्लीट कर लेंगे. जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है वो अब इस वर्क को अपनी कॉपी में करेंगे. आप सभी को इसे करना है और बहुत इजी है, मैंने आपको समझाया. हो सकता है इसमें से कुछ आपको एग्जाम में भी आ जाए, है ना, तो आप लोग इसे अच्छे से कंप्लीट करिएगा. तो ठीक है बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून.